Okay, student, wait 5 minutes. Okay, student, we are going to start your class. Yes, yes. Sound aa rahi hai sabko? Hello. Okay. टुमारो हम लोगों ने स्टडी किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि पाइथन में किस टाइप के एरर्स क्रिएट होते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था सिंटेक्स एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं और रन टाइम एरर्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक्सेप्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम में कुछ एरर्स होते हैं, एक्सेप्शन प्रोग्राम्स के एरर्स होते हैं। फिर टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है बिल्ड इन एक्सेप्शन। बिल्ड इन एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने स्टडी किया था सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, इनपुट आउटपुट एरर, इनको हमने डिटेल स्टडी किया था। फिर उसके बाद में राइटिंग एंड एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रिटर है वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, तो उसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम में जो भी एरर क्रिएट होते हैं तो उसको बोलते हैं राइटिंग एंड एक्सेप्शन। फिर उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, राइट और स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं। तो राइट स्टेटमेंट कब काम में लिया जाता है, जब यूजर है वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है, प्रोग्राम में एरर्स क्रिएट करता है और उनको स्क्रीन पे शो करने के लिए राइट स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। इसका सिंटेक्स है, द राइज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, यानी प्रोग्राम में जो भी एरर आती है इंटरप्रेटर के द्वारा एरर क्रिएट की जाती है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कहते हैं, राइज स्टेटमेंट्स को यूज में लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है राइज एक्सेप्शन का नेम और ऑप्शनल में उसके आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर्स होंगे, अगर हम उसको पास करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम पैरामीटर फील्ड को क्या रखते हैं, ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेट स्टेटमेंट। An assert statement in Python is used to test an expression in the program code. यानी आपके प्रोग्राम में जो भी एरर क्रिएट हुई उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना मतलब होगा उसको चेक करना है कि वो एरर किस टाइप से क्रिएट हुई, उसको सोल्व करने का मेथड क्या होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे एरर्स को। इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स, यानी आपने टेस्टिंग के बाद में भी अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आता है, देन द एक्सेप्शन इज राइज्ड, यानी आपके प्रोग्राम में क्या हो गया, एक एरर क्रिएट हो गया जिसको हमें रिमूव करना होगा। यानी कुछ क्या होते हैं, जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एक्सेप्शन यानी एरर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस एरर को हम टेस्ट करेंगे। एक्चुअली उस एरर का रीजन क्या है, किस टाइप की वो एरर है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने बाद में अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आता है, फॉल्स आने का मतलब होगा एक्सेप्शन है वो दूर नहीं होता है, एरर से वो रिमूव नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके प्रोग्राम में एक्चुअली एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा, एक एरर क्रिएट होगी। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, यानी इसको हम काम में लेते हैं, तो फंक्शन से पहले अगर प्रोग्राम में आपने कोई भी फंक्शन क्रिएट किया तो उसे पहले आप लिखोगे, और आफ्टर ए फंक्शन कॉल, या आपने प्रोग्राम में जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया उसके बाद में इसको लिखा जाता है, टू चेक के फॉर वैलिड इनपुट, यानी आपने प्रोग्राम में जो इनपुट दिए उस इनपुट्स को चेक करने के लिए इस स्टेटमेंट को हम काम में लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एसेट स्टेटमेंट का उपयोग पाइथन में जो एरर्स क्रिएट होती हैं उन एरर्स को टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। टेस्ट करने के बाद अगर आपका रिजल्ट है वो फॉल्स आता है, तो फॉल्स आने का मतलब हो गया आपके प्रोग्राम में एक्चुअली क्या हो रही है, एरर्स क्रिएट हो रही हैं, तो उस एरर को आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा।
रिमूव करने के बाद में अगर आपके प्रोग्राम में अगर एरर्स रिमूव हो जाती है तो आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स रिमूव नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, कुछ मेथड अप्लाई करने होंगे इस एरर्स को रिमूव करने के लिए। एक्सेस स्टेटमेंट को मेनली क्या होता है कि या तो फंक्शन से पहले लिखा जाएगा या फंक्शन को कॉल करने के बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ये होते हैं assert स्टेटमेंट का। तो इसका सिंटेक्स होता है assert expression, यानी किस एक्सप्रेशन में एरर्स क्रिएट हुई है और इसके लिए आपको ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करवाना था, आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ये उसका सिंटेक्स होता है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। ये सिंटेक्स है assert स्टेटमेंट को प्रोग्राम में लिखने का, या तो इसमें उसको फंक्शन से पहले लिखेंगे या फंक्शन को कॉल करने के जस्ट बाद में लिखेंगे। तो इसका सिंटेक्स होगा assert एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन या कौन से स्टेटमेंट में आपका एरर्स क्रिएट हुआ उस स्टेटमेंट को यहाँ लिखेंगे, और उसके लिए क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है या क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है तो उस पैरामीटर लिखोगे। अगर पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पैरामीटर्स नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो। जस्ट वन मिनट। सर इको की क्लास है नहीं अभी है? नहीं है आपके साथ सकते वो सर कर रहे हैं ना हा? ये लिंक दूसरा डाल रहे हैं, तो बच्चों को बोलो कि सर वो लिंक देखो, लिंक दूसरा डाल रहे हैं, लिंक डाल दिया सर ने दूसरा, उस पर क्लिक करेंगे। ओके तो ये अक्सर असेट स्टेटमेंट को लिखने का सिंटेक्स होता है। उसके लिए हम एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं। प्रोग्राम है प्रिंट यूज ऑफ असेट स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, असेट स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज लेने का, असेट स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज लेने का मेथड है, तो उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हमने लिखा DEF। DEF कम काम रहते हैं जब प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं। प्रोग्राम में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए उससे पहले लिखा जाता है DEF। Just one minute. उसके बाद में हमने क्या है, डेफ प्रोग्राम में एक फंक्शन डिक्लेयर किया है DEF नेगेटिव चेक नंबर, यानी हमें नंबर को चेक करें कि वो नेगेटिव वैल्यू है कि नंबर है वो नेगेटिव वैल्यू को कंटेन करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम में एक फंक्शन डिक्लेयर किया है DEF। DEF तो गया फंक्शन की डेफिनेशन, नेगेटिव चेक नंबर यानी नंबर को हमें चेक करना है कि वो नेगेटिव है कि नहीं। उसके बाद हमने लिखा एसेट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे प्रोग्राम में। हमने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो से बड़ी है या जीरो से बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे इफ नेगेटिव नंबर, यानी वो नंबर क्या है कि नेगेटिव नंबर है। हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया, प्रिंट नंबर इनटू नंबर। फिर हमने क्या किया, उस नंबर को उसके ओरिजिनल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने लिखा प्रिंट। अब इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है DEF नेगेटिव चेक, इसको हम पैरामीटर पास करवा रहे हैं। तो हम लिखा प्रिंट नेगेटिव चेक 100, हमें चेक करना है कि 100 है वो नेगेटिव नंबर है कि नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने पास करवा दिया प्रिंट नेगेटिव चेक -350, यानी अब सेकंड नंबर हमने पैरामीटर के रूप में लिया -350, हमें इसको चेक करना है कि वो नेगेटिव नंबर है कि नहीं। तो असेट स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रोग्राम में क्या होते हैं, जो एक्सेप्शन या एरर्स क्रिएट होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। इसको या तो फंक्शन से पहले लिखेंगे, जहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे उससे पहले लिखा जाएगा, या फंक्शन को कॉल करते समय इसको लिखा जाएगा। तो हमने प्रोग्राम में लिखा है प्रिंट यूज ऑफ असेट स्टेटमेंट, ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम असेट स्टेटमेंट हम प्रोग्राम में कैसे काम में लेते हैं उसके लिए हमने प्रिंट करवा दिया मैसेज। फिर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है DEF नेगेटिव चेक नंबर, ये हमने लिखा DEF नेगेटिव चेक नंबर। इसका मतलब हो गया कि हमने एक फंक्शन बनाया है, तो DEF तो लिखा जाता है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे काम में लेते हैं DEF। फिर लिखा नेगेटिव चेक, ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया, ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में नंबर। फिर हमने लिखा नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमने लिखा एसेट स्टेटमेंट। एसेट स्टेटमेंट हमने लिखा है एसेट
नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास में एरर्स की कंडीशन है, यहाँ से हम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, यदि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, यानी नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो आउटपुट आएगा आपका नेगेटिव नंबर, और नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, अगर नंबर की वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। तो हमने लिखा एसेट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उस कंडीशन में हमने प्रिंट करवा दिया नेगेटिव नंबर, फिर हमने नंबर को फिर स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाया प्रिंट नंबर इनटू नंबर, यानी आपने जो नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई है जो पैरामीटर के रूप में आपने पास किया है उस नंबर को उसकी इनिशियल वैल्यू या उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना। देखो इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं है, हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया नंबर के नाम से जो उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने यहाँ नहीं दी है, इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर हम पैरामीटर के रूप में पास करेंगे उसको उसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके और उसको प्रिंट करवा देगा। तो हमने फिर पैरामीटर के रूप में पास किया है प्रिंट नेगेटिव नंबर, स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट करवाया नेगेटिव चेक, नेगेटिव नंबर चेक करना है, पैरामीटर के रूप में हमने क्या पास किया 100, तो ये चेक करेगा कि 100 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर हो गया। तो यहाँ से नेगेटिव चेक 100 क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई या नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है इसके लिए कोई भी एसेट स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रिंट नेगेटिव -350, तो -350 क्या है जीरो से लेस देन है, -350 है वो जीरो से लेस देन है, तो उस कंडीशन में कौन सा नंबर प्रिंट होगा, ये नेगेटिव नंबर सॉरी ये क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है ये हो गया हमारा असेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैंडलिंग एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है, तो ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फॉर क्रैशिंग, यानी प्रोग्राम में क्या होता है जो भी एरर्स क्रिएट होती है उसको प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाता है जिससे आपका प्रोग्राम स्मूथली रन हो, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की एरर्स क्रिएट नहीं हो। दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन टू द यूजर और एनकाउंटरिंग एन एक्सेप्शन, यानी इसका मतलब क्या है जो आपके प्रोग्राम में एरर्स क्रिएट होती है उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई स्टेटमेंट काम में लेंगे या कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे जो हमें क्या होगा उस एक्सेप्शन के साथ में ही मैसेज में डिस्प्ले होगा, यानी जब आपका इंटरप्रेटर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और जहां भी उसको एरर फाइंड आउट होगा तो उसी एरर के साथ में उसको हैंडल करने का मेथड भी बताएगा कि आपको ये प्रोग्राम कोड काम में लेगा जिससे आपका एरर क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उस एरर को यूजर को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों यूजर उसको रिमूव करेगा, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सेप्शन एंड देयर हैंडलिंग। फर्स्ट है पाइथन कैटेगराइज एक्सेप्शन इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स सो दैट स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडलर का मतलब कोड फॉर हैंडल दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टाइप, यानी क्या होता है प्रोग्राम में बहुत प्रकार के एरर्स आते हैं, लॉजिकल एरर हो सकती है, सिंटेक्स एरर हो सकती है, वैल्यू एरर्स हो सकती है, इनपुट टाइप एरर हो सकती है, तो हर प्रकार की एरर को रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक कोड काम में लिया जाता है, एक स्पेसिफिक मेथड लिखा जाएगा उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर का मीनिंग हो गया कोड टू हैंडल द पर्टिकुलर एक्सेप्शन, यानी आपके प्रोग्राम में जो आती एरर आ रही है उस एरर को रिमूव करने का मेथड क्या है, उसी मेथड को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। सेकेंड है एक्सेप्शन हैंडलर सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन, यानी एक्सेप्शन हैंडलर के लिए प्रोग्राम में जो एरर आती है उस एरर को रिमूव करने के लिए जो आप कोड काम में ले रहे हो वो आपके प्रोग्राम के लॉजिक से सेपरेट होगा। सेपरेट क्यों होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम जैसे दो नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपका लॉजिक है वो दो नंबर को इनपुट करवाना और उनको डिवाइड करना है, लेकिन उन वैल्यू इनपुट आउटपुट वैल्यू के दौरान या कंपाइलेशन टाइम के दौरान अगर कोई एरर क्रिएट होता है तो वो एरर किस वजह से क्रिएट हो रहा है वो कोड आपके लॉजिक से मिनिमाइज नहीं करेगा, उस कोड का सिंपल सिर्फ यूज इतना होगा कि वो आपके प्रोग्राम में क्रिएट होने वाली एरर्स को रिमूव करेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलर सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, यानी प्रोग्राम में एरर किस वजह से आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या प्रोग्रामिंग कोड काम में लिया वो आपके मेन लॉजिक से हमेशा सेपरेट रहेगा। द सेगमेंट ऑफ कोड वेयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और एक्सेप्शन इज प्लेस्ड इनसाइड वन ब्लॉक, यानी क्या होता है जहां भी प्रोग्राम में एरर क्रिएट होता है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए जो हमको एक्सेप्शन हैंडलर कोड काम में लेंगे उसको हम क्या करेंगे पर्टिकुलर एक पोजिशन पे या एक स्थान पे उसको लिखा जाएगा।
नेक्स्ट है द कंप्यूटर और इंटरप्रेटर कीप ट्रैक ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज अकर्ड, यानी कंप्यूटर क्या होगा, आपका कंप्यूटर होगा या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है, वो हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा कि आपके प्रोग्राम में किस पॉइंट पे एरर्स क्रिएट हो रही हैं, किस वजह से वो एरर क्रिएट हुई और उसको आपने हैंडल करने के लिए कौन सा कोड काम में लिया है, वो सारे मेथड्स क्या होंगे, एक जगह ट्रैक होंगे, यानी उनको क्या करेगा लिस्ट में प्रोग्रामिंग फाइल्स के अंदर क्या करेगा उसको सेव रखेगा कि प्रोग्राम में किस प्रोग्राम में किस टाइप के एरर्स क्रिएट हुई और कौन सी पोजीशन पे क्रिएट हुई थी। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिलियन एक्सप्रेशन, यानी क्या होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कोड हम काम में लेंगे वो बिलियन एक्सप्रेशन के लिए भी काम में लिया जाएगा और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए भी काम में लिया जाएगा, यानी ऐसे एरर्स जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखेंगे और जो यूजर के द्वारा एरर्स क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे एरर हैंडलिंग कोड को हम यूज में लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड प्रोग्राम में अब एरर्स को रिमूव करने का मेथड क्या होगा, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो इसमें है मेन एन एरर अकर पाइथन इंटरप्रिंटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एंड जब भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर क्रिएट होती है तो पाइथन लैंग्वेज के द्वारा या पाइथन इंटरप्रिंटर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपके एरर्स को फाइंड आउट करना, एरर्स को क्रिएट होने का रीजन को फाइंड आउट करना और उस एरर को रिमूव करने के लिए कोड को फाइंड आउट करना, ये सारी चीजों को ये सब रिवर्क करते हैं उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। तो व्हेन एन एरर अकर पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ही एरर क्रिएट होगी तो पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जो क्या करेगा आपके एक्सेप्शन यानी एरर्स की रिवर्क करेगा। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर लाइक इट्स टाइप फाइल नेम एंड पोजीशन इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज अकर्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा इन्फॉर्मेशन रखेगा, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कि एरर किस टाइप की है, कौन सी फाइल में क्रिएट हुई उस फाइल का नेम और कौन से फाइल में कुछ पोजीशन पे एरर क्रिएट हुई उसकी पोजीशन यानी उसकी लोकेशन, यानी तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन रखेगा, पहला एरर का टाइप होगा, उसके बाद में कौन सी फाइल में क्रिएट हुई है एरर क्रिएट हुआ उस फाइल का नेम लिखेगा और थर्ड में उसकी पोजीशन एंड फाइल में किस पोजीशन पे है किस प्रोग्रामिंग कोड में किस लाइन में एरर क्रिएट हुई उनकी इस चीज को सेव करता है। द ऑब्जेक्ट इज हैंडेड ओवर टू द रन टाइम सिस्टम सो दैट इट कैन फाइंड एन अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, यानी ये क्या करेगा रन टाइम पे प्रोग्राम जब रन करेंगे उस कंडीशन में यूजर से क्या करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड की रिक्वायरमेंट करेगा, जैसे यूजर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड पुटअप करेगा उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद में प्रोग्राम से एरर रिमूव करेगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, यानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एरर्स को फाइंड आउट करना और उसको हैंडल करने का कोड जो लिखा जाता है तो जो ये सारा वर्क होगा वो कहाँ होगा रन टाइम पे होगा, यानी सिस्टम रन टाइम पे ये सारा वर्क परफॉर्म होगा, तो रन टाइम पे जब ये वर्क परफॉर्म होता है तो इसको हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, यानी क्या होता है एक्सेप्शन को थ्रो करना, थ्रो करने का मतलब होगा यूजर को डिस्प्ले पे मैसेज के रूप में शो करना। द रन टाइम सिस्टम सच एज द एंटायर प्रोग्राम फॉर ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी आपका जो रन टाइम सिस्टम होगा इंटरप्रेटर होगा वो आपके प्रोग्राम के कंप्लीट कोड को रन टाइम पे क्या करेगा वन बाय वन कंपाइल करेगा, कॉल द एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैन हैंडल द राइज एक्सेप्शन है, और उसके बाद में क्या होगा जहां भी उसको एरर फाइंड आउट होगी तो एरर में अगर उसके पास पहले से ही एक्सेप्शन कोड होगा तो उसको अप्लाई करके उस एरर को रिमूव कर देगा, अगर उसके पास में एक्सेप्शन कोड नहीं होगा तो यूजर से क्या करेगा थ्रो करेगा एक्सेप्शन, यूजर को डिस्प्ले करेगा और यूजर उसके लिए अप्रोप्रिएट कोड को टाइप करेगा वहां पे। सर्च फॉर द मेथड इन विच द एरर हैज अकर्ड एंड द एक्सेप्शन, यानी सबसे पहले क्या करेगा जो उस मेथड को फाइंड आउट करेगा जिसकी वजह से एरर्स क्या हो रही हैं क्रिएट हो रही हैं। यस ये आर शर्मा कौन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। ओके नेक्स्ट डायग्रामेटिक शो रखा है कि हम प्रोग्राम में एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेगा प्रोग्राम का इंटरप्रेटर रन टाइम पे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है एन एरर एनकाउंटर्ड इन ए मेथड, यानी सबसे पहले एरर को फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट करने के बाद में उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो उसको हम बोलते हैं क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्सेप्शन जो एरर हुआ उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके बाद में एक्सेप्शन इज राइज्ड यानी एक्सेप्शन को थ्रो करेगा यूजर स्क्रीन पे कि आपके प्रोग्राम में एरर्स क्रिएट हुई है इस लाइन में इस पोजीशन पे एरर क्रिएट हो गया तो उसके लिए एक्सेप्शन कोड भी डिमांड करेगा। फिर होगा रन टाइम सिस्टम सर्च फॉर द एक्सेप्शन हैंडलर इन द करंट मेथड, यानी जो भी एरर्स क्रिएट हुआ है
एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, उस एक्सेप्शन के लिए पहले वो सर्च करेगा कि उसके पास ऑलरेडी रेडीमेड या बिल्ड इन एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड ऑलरेडी है कि नहीं। अगर ऑलरेडी उसके पास में उस एक्सेप्शन हैंडलर को हैंडल करने का कोड होगा तो उसको हैंडल कर लेगा, उसको रिमूव कर देगा। रिमूव अगर उसको एरर कोड फाइंड आउट हो गया तब तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसको एरर कोड नोट फाइंड आउट होगा तो फर्स्ट सर्च फॉर द मेथड इन सेल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस, फिर उसके बाद में क्या करेगा, वो प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में स्कैन करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है कि प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में स्कैन करने से उसको क्या होगा, एक्सेप्शन उस एरर को हैंडल करने का कोड फाइंड आउट हो जाए। अगर उसको फाइंड होगा तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर उसको फाइंड नहीं होगा तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, यानी आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, यानी आपके पास में उस एरर को रिमूव करने का प्रॉपर मेथड नहीं है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को टैकल करने का एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या होगा, इंटरप्रेटर के द्वारा एरर को फाइंड आउट किया जाएगा, एरर को फाइंड आउट करने के बाद में उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जो क्या करेगा, उस एरर को स्क्रीन पे थ्रो करने का काम करेगा। एरर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के बाद में वो क्या करेगा, सिस्टम में सर्च करेगा कि उसके पास प्री डिफाइंड या बिल्ट इन एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन हैंडलर कोड है कि नहीं। अगर एक्सेप्शन हैंडलर कोड उसको फाइंड आउट हो जाएगा तो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर एक्सेप्शन हैंडलर कोड नॉट फाउंड होगा तो वो प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में स्कैन करना स्टार्ट करेगा। रिवर्स ऑर्डर में स्कैन करने के बाद में अगर उसको कोड फाइंड आउट हो गया तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर रिवर्स ऑर्डर में भी स्कैन करने के बाद में एक्सेप्शन हैंडलर कोड फाइंड आउट नहीं होता है तो आपके प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, यानी आपको प्रोग्राम से एग्जिट कर देगा, यानी आपके पास में उस एरर को हैंडल करने का अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। तो ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को का प्रोसेस। ओके, उसके बाद में कैचिंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को थ्रो किया गया है एक्सेप्शन हैंडलर ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसको यूजर कैसे कैच करेगा, उसको कैसे रिमूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैचिंग एक्सप्रेशन एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉल्ड व्हेन ए कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल ए पर्टिकुलर एक्सेप्शन यानी इज एग्जीक्यूटेड, यानी आपके प्रोग्राम में जो भी एरर आती है उस एरर को रिमूव करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, जो कोड हम काम में लेंगे उसको हम बोलते हैं कैचिंग एक्सेप्शन। If any are caught in try block and handle in the accept block, यानी प्रोग्राम में क्या होते हैं एक्सेप्शन हैंडलर के लिए दो ब्लॉक काम लेते हैं, पहला ट्राई होता है, दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या किया जाता है, जो कोड होगा उसको फाइंड आउट किया जाएगा, फाइंड आउट करने बाद में एक्सेप्ट कोड में उसको लिख के और उस एरर को रिमूव किया जाता है। तो वाइल राइटिंग और डिबगिंग ए प्रोग्राम, राइटिंग का मीनिंग जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, डिबगिंग का मीनिंग होगा जब उस प्रोग्राम को आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो यानी कंपाइल कर रहे हो। A user might doubt an exception to occur in a particular part of code. यानी यूजर को हमेशा क्या होती है, एक डाउट होता है कि उसके प्रोग्राम के किसी भी कोड में क्या हो सकती है, एरर्स क्रिएट हो सकती हैं। ये जो स्टूडेंट हैं वो ग्रुप चैटिंग कर रहे हैं, प्लीज ग्रुप चैटिंग बंद कर दीजिए। आपको क्लास लेनी है तो आप क्लास लीजिए, अदरवाइज ग्रुप चैटिंग मत कीजिए। यहाँ मुझे सब कुछ होता है कि कौन स्टूडेंट चैटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो प्लीज ग्रुप चैटिंग मत कीजिए। अगर आपको क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्लास से एग्जिट कर सकते हो। ओके, तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो या राइट कर रहे हो तो उस कंडीशन में यूजर को हमेशा एक डाउट होता है कि उसके प्रोग्राम की किसी भी लाइन में या किसी भी स्टेटमेंट में एरर क्रिएट हो सकता है इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड। इस सस्पेंस लाइंस ऑफ कोड आर पुट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, यानी आपको लगता है कि यूजर को ये फाइंड आउट हो रहा है कि मेरे इस प्रोग्राम कोड में या इस लाइन में एरर्स हो सकती है, तो उनको हमेशा क्या करें, ट्राई ब्लॉक में पुट अप कर दीजिए। ट्राई ब्लॉक में क्या होगा, कंपाइलर उसको चेक करेगा, इंटरप्रेटर है वो इसको चेक करेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है कि नहीं। इस ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक, यानी ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद में क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा जाएगा। द एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शन आर रिटन इनसाइड द एक्सेप्ट क्लॉज, यानी जिस स्टेटमेंट में आपको डाउट है कि इस स्टेटमेंट में एरर्स क्रिएट हो सकते हैं उनको ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, और जो एरर्स होंगी उनको हैंडल करने का जो मेथड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। While executing the program, if an exception is encountered, further execution of the code inside the try block is stopped. यानी जैसे ही exception error create होगा तो try block stop हो जाएगा, क्योंकि उसको उस exception यानी उस error को handle करने का code find out करना है। तो ये हो गया। The appropriate code of handle to each exception are written inside the accept clause. While executing the program, if an exception is encountered, further execution of code inside the try block is stopped. जैसे try block में कोई error find out होगा, exception create होगा, तो try block क्या करेगा, अपना execution वो stop कर देगा, and control is transferred to the accept block. और जो भी error आई है उसका जो control होगा, उस error को find out कर, उस error को remove करने का जो method होगा, उसके लिए वो क्या करेगा, directly किसमें move कर जाएगा, accept block में move कर जाएगा. The syntax of try accept block. अब try और accept block का syntax क्या होगा, ट्राई के लिए लिखा जाता है ट्राई,
कोलन, उसके बाद में आपका प्रोग्राम का जो कोड होगा या आपको जो भी प्रोग्राम में जो भी सस्पेक्टेड लाइन है कि जिनमें आपको हो सकता है कि मे बी एरर्स फाइंड आउट हो सकती हैं, उन एरर्स को, उन लाइन्स को या उस स्टेटमेंट को या उस कोड को आप यहाँ लिखोगे ट्राई ब्लॉक में। उसके बाद में आप एक्सेप्ट लिखोगे, एक्सेप्ट में आप उस एक्सेप्शन का नेम लिखोगे किस टाइप के एरर्स क्रिएट हो सकती हैं या किस टाइप का एरर आपके द्वारा बनाई गई है, सिस्टम डिफाइंड एरर हो सकते हैं, तो उसको आप एक्सेप्शन में लिखोगे। उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो कोड होगा उसको लिखेंगे, तो ट्राई कोलन, उसके बाद में आपको प्रोग्राम के जो सस्पेक्टेड लाइन है या सस्पेक्टेड कोड है उनको आप पुट अप करेंगे। उसके बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन नेम लिखा जाता है। अगर एक यूजर को पता है कि मेरे प्रोग्राम में इस टाइप की एरर्स क्रिएट हो गई तब तो आप वहाँ पे एक्सेप्शन नेम लिख सकते हो। अगर यूजर को ये नहीं पता है कि मेरे प्रोग्राम में किस टाइप की एरर क्रिएट होगी तो आपको वहाँ पे एक्सेप्शन नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ट्राई ब्लॉक के द्वारा फाइंड आउट कर लिया जाएगा कि आपके प्रोग्राम में वो किस टाइप की एरर्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट कोलन, उसके बाद में उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो कोड होगा वो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सेप्शन में लिखोगे। तो ये स्टेटमेंट होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को। सिंपली हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हम कैसे लिखते हैं। तो पहले मैंने लिखा प्रिंट एफ ट्राई ब्लॉक, यानी हम क्या करें, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो हमने लिखा ट्राई कोलन नंबर, ट्राई कोलन नंबर इक्वल टू 50। मैंने एक वेरिएबल लिया है प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू है वो 50 है। डिनोमीटर को मैंने लिखा है डिनोमीटर इक्वल टू इनपुट इंटीजर, डिनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, इनपुट करवा रहा हूँ एंटर दैट डिनोमीटर एंड डिनोमीटर की वैल्यू मैं इनपुट करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद में मुझे क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन के लिए लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर डिवाइड बाई डिनोमीटर, यानी डिनोमीटर जो वैल्यू मैं जो प्रोग्राम में इनपुट करवाऊंगा डिनोमीटर की वैल्यू उसको मैं नंबर, उससे मैं क्या करूंगा नंबर को डिवाइड कर दूंगा। नंबर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है वो 50 है। ठीक है, अब डिनो क्वेश्चन को हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। तो प्रिंट टाइप डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, अगर ये डिवीजन परफॉर्म हो जाता है यानी इस डिवीजन में अगर कोई प्रॉब्लम में नहीं आती, कोई एरर क्रिएट नहीं होता तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तब हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, यानी आपका जो डिवीजन है वो ऑपरेशन वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका डिवीजन, आप उसके बाद में क्या लिखा, अगर आपने डिनोमीटर की वैल्यू को 0 इनपुट करवा दिया, और एग्जांपल हो सकता है कि आपने 50 को 0 से डिवाइड करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपने एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा। एक्सेप्ट ब्लॉक में अब आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि 0 जब 0 है से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, 0 डिवीजन एरर क्रिएट होगा। तो अगर आपने डिनोमीटर की वैल्यू को 0 इनपुट करवाया तो उस कंडीशन में आपने लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में आपने उस एक्सेप्शन का नाम लिख दिया 0 डिवीजन एरर, यानी अगर नंबर की वैल्यू अगर 0 होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास एरर क्रिएट होगा, वो होगा 0 डिवीजन एरर। तो उस कंडीशन में हमने प्रिंट अप करवा दिया प्रिंट अप डिनोमीटर इज 0 नॉट अलाउड, यानी डिनोमीटर में आप 0 वैल्यू को पुट अप नहीं कर सकते। और इसके बाद में हमने लिखा प्रिंट आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके बाद में हम क्या करेंगे जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लिखा ट्राई कोलन, उसमें एक वेरिएबल काम में लिया नंबर, उसकी वैल्यू को हमने 50 इंटर करवा दिया। फिर हमने डिनोमीटर लिया, डिनोमीटर की वैल्यू को हमने इनपुट फंक्शन के द्वारा इनपुट करवा दिया जो कि क्या हो गया हमेशा इंटीजर होगी। तो हमने लिखा डिनोमीटर इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट में इनपुट एंटर द डिनोमीटर एंड डिनोमीटर की वैल्यू वो यूजर इनपुट करवाएगा। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है उसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के लिए हमने लिखा क्वेश्चन इक्वल टू नंबर न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमीटर, यानी जो आपने न्यूमिनेटर यानी जो नंबर काम में लिया उसको डिनोमीटर से आप डिवाइड कर दोगे। और उसके बाद में अगर डिवाइडेशन डिवीजन पर ऑपरेशन वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है तो आप प्रिंट करवा दोगे डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। यदि यूजर क्या कहता है डिनोमीटर की वैल्यू 0 इनपुट करवा रहा है, देखो बाकी सभी नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 0 को छोड़कर 50 सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन अगर 0 होगा इसका डिनोमीटर तो उस कंडीशन में इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, यानी एरर क्रिएट होगी। तो हमें पता है कि एक ओनली एक एरर हमारे पास इस प्रोग्राम में क्रिएट हो सकती है कि अगर हमने नंबर की वैल्यू 0 दिया तो उस कंडीशन में एरर आएगा, अदरवाइज कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आपने लिखा एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा यदि आपने नंबर की वैल्यू को 0 इनपुट करवा दिया देन आपको 0 डिवीजन एरर होगा, तो इसके लिए हमने लिखा एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, यानी आपके प्रोग्राम में अगर 0 डिवीजन एरर क्रिएट होता आपने मैसेज प्रिंट करवा दिया डिनोमीटर एच 0 इज नॉट अलाउड, यानी आप इस प्रोग्राम में डिनोमीटर की वैल्यू को 0 एंटर नहीं करवा सकते, यहाँ से हम क्या करेंगे बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो अपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके थैंक यू।